और अब बात करते हैं रीवा जिले की, जहां के श्याम साह मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर को अचानक डीन के पद से हटाए जाने के बाद रविवार को की गई पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि अपना फर्ज निभाता रहूंगा। हाल ही में मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनोज इंदुलकर को अचानक डीन के पद से हटा दिया गया और उनकी 2 वेतन वृद्धि रोक दी गई, जिसके बाद लगातार सोशल मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं रहीं, जिसके बाद रविवार को उनके द्वारा अपने निवास पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि वो हमेशा अपना फर्ज निभाते रहेंगे। जो आरोप लगाकर उन्हें पद से हटाया गया है, उसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई थी जो कि अपना काम कर रही थी, लेकिन अचानक एक आदेश के बाद उन्हें डीन के पद से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि वह एक चिकित्सक है और जनता की सेवा के लिए बने हैं और जनता की सेवा करते रहेंगे। आइए सुनाते हैं अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद क्या जवाब रहा डॉक्टर मनोज इंदुलकर का। आक्षेप लगते हुए हैं, क्या ये ऐसा नहीं कि आपके जो अगल बगल के सेवा सलाह हैं इनके चक्कर में डीन के साथ खेल होता हो? ऐसा कहना तो अभी इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं बता पाऊँ कि अभी तो कहना इस स्टेज पे कहना बड़ा सीधे सीधे कोई आदेश जारी कर देना और एक अच्छी छवि को खराब करने, मतलब पूरे तरह से उसको बर्बाद करने का मुहिम छेड़ देना, ऐसा क्या हो सकता है? अभी इसमें हम अपना अभी उनसे स्टेटमेंट हमारा देंगे उनको, और की गई कार्रवाई पर भी हम लोग जब हमारे संज्ञान में आ गई है तो की गई कार्रवाई पर भी हम अपनी तरफ से अपना प्रतिवेदन देंगे। क्या मानते हैं पर्सनली दुश्मनी या पर्सनली आपको टारगेट करके ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि पहले जांच होती है उसके बाद कार्रवाई होती है? अभी तो कह पाना बड़ा कठिन है कि ये दुर्भावनावश की गई है या कोई और कारणों से की गई। अब अगला स्टेप आपका क्या होगा? अभी हम इसमें हमें जो 2 वेतन वृद्धि हमारी जो रोकी गई है पहले, उस पर हम अपना एक अभ्यावेदन शासन को देंगे कि जो कार्रवाई की गई है उसके पूर्व में हमें सूचित नहीं किया गया, और फिर जैसा शासन कहेगी करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग का तो नियम है कि पहले 900 का नोटिस जारी होनी चाहिए, उसके अभ्यावेदन आपका अभ्यावेदन जाता है, उसके बाद अगली कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफा कार्रवाई, मतलब क्या इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नियम के अनुसार अगर उन्हें लगा है कि नियम में ऐसा है कि अगर कह सकते हैं भेज सकते हैं तो शासन भी सुनाई दे रहा था कि पहले भी आप इस पद के लिए इच्छुक नहीं थे, फिर भी आपको बनाया गया और अब इस तरह से हटाना एक बड़ी बात नहीं हो सकती? संस्था है, हम संस्था के लिए काम करते हैं, हमारा अपना संस्था का हम अधिक से अधिक उच्च स्तर पर ले जाने की हम लोग कोशिश थे। अगर किसी कारणवश अगर हमारे जो सीनियर जो है वो नहीं हो कर पा रहे तो हमने इसकी जवाबदारी दी कि हम करेंगे, और जो शासन के जैसे दिशा निर्देश आते थे हम उसको पूरा किया करते थे। वो बात जो भी हमें आदेश मिलते थे, हमारे कमिश्नर साहब के द्वारा जो आदेश मिलते थे पूर्ण काम किया करते थे, जो ताकि संस्था को और अधिक से अधिक ऊपर ले जाए। अचानक नोटिस जारी की